दोस्तों 18 नवंबर 2020 को एमसीसी का सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको फर्स्ट राउंड की कट ऑफ तो पता चली गई है, अभी सेकेंड राउंड में क्या कट ऑफ रह सकती है इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मैंने पहले कट ऑफ प्रेडिक्ट की है वो बिल्कुल सही गया है। 17 अक्टूबर 2020 को मैंने फर्स्ट राउंड के लिए कट ऑफ बताई थी 620 से 625 के बीच में रहेगी, ये मैंने बताया था। तो उस राउंड में 619 यानी 618 को सभी को सीट नहीं मिली थी और ये कट ऑफ 619 रही है जो बिल्कुल एक्यूरेट गया है। इसके बाद 2018 की बात करें तो 2018 के फर्स्ट राउंड में मैंने 590 कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी, वो 591 गई थी। इसके अलावा सेकेंड राउंड के लिए 580 कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी, वो 582 गई थी। यानी कि एक्यूरेट कट ऑफ जा रही है जो मैंने प्रेडिक्ट किया है। रिजल्ट के बाद जो रैंक आती है उसके बाद जो कट ऑफ प्रेडिक्ट की जाती है वो बिल्कुल ही एक्यूरेट रहती है मेरी। अब जब सेकेंड राउंड की बात करें हम, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट राउंड की क्या कट ऑफ रही थी। जिन स्टूडेंट को नहीं पता है उनको मैं बता देता हूं, और यहां पर मैं आपको बताता हूं कि जो सेकेंड राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहेगी। तो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ की बात करें तो आप सबको पता है 618 यानी 619 रही है। 18 वाले कैंडिडेट को सभी को सीट नहीं मिली है। ये कैटेगरी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी ही हम ले रहे हैं, क्योंकि इसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होता है और उनकी कट ऑफ ज्यादा जाती है। ऑल इंडिया में ईडब्ल्यूएस होता नहीं है, एक आसाम की कॉलेज है उसमें ओबीसी कैटेगरी होती है। तो हम जनरली जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी तीनों को एक ही कैटेगरी में यहां मान के चल रहे हैं, क्योंकि जनरल की उसमें सबसे कम कट ऑफ आती है और ओबीसी जनरल भी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस भी जनरल कैटेगरी में ही इसमें सीट लेते हैं। तो यहां 619 गई है, तो इसमें सेकेंड राउंड में मैं आपको बता दूं कि 610 ये कट ऑफ जा सकती है सेकेंड राउंड की। मैंने इससे पहले 612 प्रेडिक्ट की थी, तो ये 610 के नियर बाई ही कट ऑफ रहेगी सेकेंड राउंड की जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी की। अब बात करें हम एससी कैटेगरी की, तो जो एससी कैटेगरी की कट ऑफ गई है वो 521 कट ऑफ गई है फर्स्ट राउंड में, और हम सेकेंड राउंड में बात करें तो इसकी 500 के नियर बाई कट ऑफ जा सकती है। एससी कैटेगरी की 500 के नियर बाई कट ऑफ जाने की संभावना है। बात करें एसटी कैटेगरी की, तो इसमें 492 कट ऑफ रही थी फर्स्ट राउंड में और सेकेंड राउंड में 480 कट ऑफ रह सकती है। तो इस प्रकार से ये कट ऑफ रह सकती है सेकेंड राउंड में, और सेकेंड राउंड का रिजल्ट आते ही आपको, अगर आप उस पे सीट पे ज्वाइन करते हैं तो आप फर्दर काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगर उस सीट को आप छोड़ देते हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त हो जाएगी, बाकी आप इलिजिबल रहेंगे बाकी राउंड के लिए। ये कंडीशन है सेकेंड राउंड की। तो इस प्रकार से मैंने इस वीडियो में जो कट ऑफ प्रेडिक्ट की है वो मेरे प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस के आधार पर प्रेडिक्ट की है, और ये इतनी ही जाने की संभावना है। अब बात करें अगर आपको सेकंड राउंड में चॉइस फिल वगैरह करनी है तो वो बिल्कुल ही ध्यान से करनी है, क्योंकि सेकंड राउंड की जो कंडीशनें होती हैं वो सीट छोड़ने के लिए अलग होती हैं, जो मैंने आपको बताया है। तो इसमें अगर आप हमारी बुक की सहायता लेंगे तो आपको काफी फायदा होगा। ऑल इंडिया की इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों टाइप की बुक है, उसको अपडेट कर दिया गया है। उसमें सेकंड राउंड के लिए आपने कौन सी च्वाइस फिल करनी है, किस कैटेगरी में करनी है, फर्स्ट राउंड की कॉलेज वाइज कट ऑफ क्या गई है, ये आपको उस बुक में मिल जाएगी। तो आप उस बुक की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको यह एक बात बताना चाहता हूं कि आपने जो सेकेंड राउंड में च्वाइस फिल करनी है वो बिल्कुल ही केयरफुली करनी है। इसके बाद में जिन कैंडिडेट के जो स्टेट हाई कैटेगरी, हाई कट ऑफ के जो स्टेट हैं जैसे राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, इनको अगर 650 से अबोव मार्क्स हैं तो उनको ऑल इंडिया कोटा में अच्छी सीट मिल सकती है, तो वो ऑल इंडिया कोटा में ज्वाइन कर ले, क्योंकि स्टेट में कुछ गिने चुने ही टॉप मेडिकल कॉलेज होते हैं। ऑल इंडिया में आप अदर स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं 650 से अबोव वाले स्टूडेंट। तो दोस्तों ये जानकारी थी कट ऑफ के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।